मशरूबात इंसानी ज़िंदगी के लिए कितने मुफीद। जब मौसम गर्मा शुरू होता है तो हम मुख्तलिफ किस्म के ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को गर्मी से बचा सकें, और इन मशरूबात से हमें दिमागी तौर पर राहत भी मिलती है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले मशरूबात में से एक मशरूब सत्तू भी है, जिसको मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है और जिसको पीने से हमें ना सिर्फ ठंडक का एहसास होता है बल्कि इस मशरूब के दीगर फायदे भी हैं, जैसा कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और मादनियात वगैरह वाफर मकदार में पाए जाते हैं। सत्तू हमें ताकत और तवानाई बख्शता है और हमारे जिस्म में मौजूद जायद कैलोरीज को कम भी करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है, अच्छी है, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा पै रही है, सत्तू पीने रहा है, ठंड भी नहीं दे रहा, सत्तू बहुत ज़्यादा पी हो रहे हैं, गर्मी बहुत तेज पै रही है, गर्मी से बर्दाश्त नहीं हो रही बंदियाँ को। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये सत्तू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बस यही वजह है। गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए सत्तू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडा होता है। अगर हम बाकायदगी से सत्तू का इस्तेमाल करें तो गर्मी से बच सकते हैं, क्योंकि सत्तू में कुदरती गजाई अज्जा शामिल होते हैं जो हमें तवानाई देते हैं। सत्तू में कुदरती तौर पर फाइबर मौजूद होते हैं जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं, खासकर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर। इसलिए गर्मियों में सत्तू का इस्तेमाल बकसरत करना चाहिए।